The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, aadab, sat sri akal. दोस्तों मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों बात करेंगे हम आज कोरोना वायरस के टेस्टिंग के बारे में। सो अगर आप कोरोना वायरस के बारे में टेस्ट करवाना चाहते हो, कई लोग इससे परेशान है, पीड़ित, कई लोग को लगता है कि पता नहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, और उसके लिए फिर वहाँ टेस्ट करवाने की बात आती है। तो बहुत से रजिस्टर्ड लेबोरेटरीज हैं जो कि कोरोना वायरस के लिए टेस्ट करते हैं रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस। पहली बात, टेस्ट होता कहाँ से है, दूसरा किस जगह से सैंपल लिया जाता है। ये ब्लड से नहीं लिया जाता, ब्लड से नहीं, रेस्पिरेटरी सैंपल लिया जाता है, मतलब या तो आपका बलगम लिया जाएगा या नाक या मुंह से स्वैब लिया जाएगा, स्वैबिंग करके उसका स्वैब का टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट कुछ ही रजिस्टर्ड, इंडिया के अंदर 52 रजिस्टर्ड लैब से किया जाता है जो स्टेट और लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और वहाँ पे उनको हर एक पॉजिटिव टेस्ट को रिपोर्ट करना होता है, इसलिए हर किसी दूसरे तीसरे लैब में नहीं होगा। सो आपको अपने लोकल बड़े लैबों में जाना होगा। आप इंडिया में कहीं भी हो वहाँ पर आपको जाना होगा, दिल्ली में हो के दिल्ली में जाना होगा या इंडिया में हो तो इंडिया में जाना होगा, वहाँ के लोकल बड़े लैब में आपको जाके इन लैब्स की लिस्ट आपको पता चल जाएगी कि कौन कौन से लैब्स हैं जहाँ पर हो रहा है। पहली बात तो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे होगा, तो उससे पहले आपको पहले किसी डॉक्टर को जाके दिखाना होगा। दूसरी बात कि जो भी टेस्ट होता है वो टेस्ट होगा RT-PCR पैनल से, डायग्नोस्टिक पैनल, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम PCR टेस्ट, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PTR टेस्ट, जो कि 4 से 6 घंटे के अंदर बता सकता है कि आपने जो सैंपल दिया है उस सैंपल में कोरोना वायरस के जैसा एग्जैक्ट मेल खाता हुआ DNA जैसा जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि हु शुड बी टेस्टेड। सबसे बड़ा सवाल, सबका टेस्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए यह समझना जरूरी है किसका, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, आपकी मदद होनी चाहिए कि क्या आप अपने घर में सबका कराओ, खुद का कराओ, पड़ोसी को बोलो, किसको कराए। ठीक है, जितने भी लोगों को फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, माइल्ड इलनेस है, थोड़ा बहुत बीमारी है, उन सबको, इवन इफ अगर उनको कोरोना वायरस भी है तो भी उनको ज्यादातर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। राइट, मोस्ट पीपल हु हैव माइल्ड इलनेस आर एबल टू रिकवर एट होम बाय देमसेल्फ्स, सो दे डोंट नीड टेस्टिंग। राइट, बिकॉज उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्योर भी नहीं है अप्रूव्ड, कोई स्पेसिफिक क्योर नहीं है, ऑलरेडी बता चुके हैं। सो टेस्टिंग करने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्टिंग करने से वो ज्यादा पैनिक जरूर हो जाएंगे। टेस्टिंग करने से एक हेल्प होती है कि उनको इतना जरूर होगा कि हाँ हमें है तो हम अपने दूसरों को बचाएं। सो इसीलिए, राइट, ये डिसीजन आप खुद नहीं लेंगे, ये डिसीजन टेस्टिंग का आपके सिम्टम्स देख के, आपकी कंडीशन देख के आपके डॉक्टर लेंगे, आपके हेल्थ इंडिविजुअल्स डॉक्टर लेंगे कि आपका टेस्ट होना चाहिए या नहीं। और क्लिनिशियंस, राइट, जो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल हेल्थ अथॉरिटीज के साथ काम कर रहे हैं, वो फिर आपको असेस करते हैं कि आप किस कैटेगरी के आते हैं, कि इस वक्त आपके सिम्टम्स टेस्टिंग वाले हैं या नहीं, या इस वक्त आप जहां से आए हो वहां उतने केसेस हैं या नहीं, इस कैटेगरी में फिर आपको टेस्ट किया जाता है। और ये कैटेगरीज हमेशा बदलती रहती है, ये स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से बना के देती है, बिकॉज टेस्ट किट्स लिमिटेड होते हैं, हर एक का टेस्ट नहीं किया जा सकता। सो हाउ टू गेट टेस्टेड, अगर आपको सिम्टम है, यू वॉन्ट टू गेट टेस्टेड, आप अपने लोकल डॉक्टर, मेडिकल अथॉरिटीज के पास जाइए, उनसे बात करें। ठीक, नंबर दो,
व्हाट टू डू अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तब क्या करेंगे? टेस्ट अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मास्क निकालो, टेंशन मत लो, खुला घूमो, नो। आज नेगेटिव है तो कल भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो क्या करोगे? अगर आप टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपको अपना खुद का केयर करना पड़ेगा, मगर अगर नेगेटिव आ गया तब भी आपको आगे चल के इन्फेक्शन हो सकता है। यू हैव टू स्टिल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को हैंड वॉशिंग, मास्क और सेल्फ आइस क्वारंटाइन करके प्रोटेक्ट करना है जब तक आपके एरिया में वो वायरस है, ठीक है। और अगर आप बहुत बीमार हैं, इफ यू आर वेरी सिक, तो आपको तुरंत फिर मेडिकल अटेंशन एडमिट होना होगा। बहुत बीमार लोगों को इमरजेंसी में जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में, और ऐसे लोगों को क्या सिम्टम होंगे ये समझना चाहिए। ऐसे लोगों को सांस में दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट लगातार छाती में दर्द हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत ज़्यादा नींद आना, उठने का इनेबिलिटी टू अराउज, उठ ही नहीं पा रहे, या फेस, चेहरा या लिप्स नीले पड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो तुरंत इमरजेंसी में जाके एडमिट करना होगा, राइट। और इसमें और भी काफ़ी सिम्टम्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, सांस के सारे सिम्टम्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप पॉजिटिव हो जाते हो तब आपको अपना देखभाल करनी होगी। अगर आप बीमार हो तो क्या करें? सबसे पहले स्टे एट होम, अपने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल केयर के लिए घर से बाहर निकलिए, दवा लेने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, वरना मत निकलिए। जितने भी लोग माइल्ड थोड़े बहुत बीमार भी हैं, घर पे रहें, ठीक है, और घर पे रिकवर की कोशिश करें। अपने डॉक्टर के टच में रहो, डॉक्टर को रेगुलर बताते रहो अगर दिक्कत बढ़ रही है तो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बाहर भीड़ भाड़ में नहीं जाना, बाहर निकलना पड़ा तो मास्क पहन के निकले, पेशेंट आपको सिम्टम है, बहुत ज़रूरी। हैंड सैनिटाइजर पहने, सैनिटाइजर यूज करें या ग्लव पहने। सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम योर पीपल इन योर फैमिली ऑल्सो, खुद को आइसोलेट करो। अगर आप बीमार हो, सर्दी है, खांसी है, तो स्टे अवे फ्रॉम देम, मतलब कम बंद कमरे में मत रहो, 1 से 2 मीटर की दूरी रखो। जानवरों और पेट्स को थोड़ा दूर रखो। पेट्स को अभी तक ऐसा कोई नोटेड नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है कि पेट से होगा ही नहीं, तो पेट से थोड़ा दूर रहो। तीसरा, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है तो डॉक्टर को पूछ के बता के जाओ, ताकि बाहर जाया हुआ विजिट वेस्ट ना हो जाए। बाहर जाना, फ्री फालतू में नहीं जाना। अगर बीमार हो तो मास्क जरूर पहनना है, सही फिटिंग वाला पहनना है। अगर आप ऐसे इंसान की केयर कर रहे हो, ऐसे लोगों की जिसको जो बीमार है, तो आपको मास्क पहनना भी जरूरी है, चाहे आप घर पे हो चाहे अस्पताल में हो। और जब भी आप खांसी कर रहे हो, छींक रहे हो, तो अपने मुंह को कवर करें, और टिश्यू अगर यूज कर रहे हो टिश्यू फेंक दें, और हाथ धोएं कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन पानी से या 60% अल्कोहल से। अपने हाथों को रेगुलरली धोए, जब भी खांसी हो, छींक हो, बाथरूम जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, और मुंह को हाथ लगाने से पहले। हैंड सैनिटाइजर, सोप वाटर सब चलेगा, सोप वाटर इज बेटर। मुंह को हाथ ना लगाएं। अपने खुद की चीज़, मोबाइल फ़ोन, कोई चम्मच, कोई भी चीज़ किसी को शेयर ना करें, राइट। और जो भी हाई टच सर्फेसिस हैं अपने घर में, आप अगर बीमार हैं तो हाई टच सर्फेसिस, मतलब आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका डाइनिंग टेबल, आपका जो भी वर्क टेबल, आपका ऑफिस, जहां आप हाई टच, जितनी ज़्यादा मात्रा में टच करते हैं, उसको क्लीन और डिसइंफेक्ट करें। एक कमरा बना लें, जिसको हम बना लें कि उस एक सिक रूम है, एक बाथरूम है, 14 दिन के लिए, ताकि आप ज़्यादा दूसरे कमरे में ना जाएं। जी हाँ, पर जा सकते हैं, मनाही नहीं है, राइट। अगर आप एक्चुअली में इससे बीमार हैं तो हाउस होल्ड को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप फैला चुके हैं अंदर, तो घर की सफाई रेगुलर करें। घर की सफाई नॉर्मल फिनॉल से, फिनाइल से,
अपने हिसाब से करें। हाउस होल्ड क्लीनर्स और डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर सकते हैं, राइट, उसमें लेबल देखें कि वो क्या है, कैसा है, सही से, राइट, और उसमें यूज करें। और सबसे जरूरी, अगर आपको सिम्टम है तो सिम्टम मॉनिटर करें, मॉनिटरिंग द सिम्टम्स कि आज मुझे बुखार है इतना है, कल मेरा बुखार बढ़ा क्या, मेरा सर दर्द बढ़ा क्या, मेरी सर्दी कम तो हुई कि नहीं हुई, बढ़ रहे सिम्टम्स को डॉक्टर को बताना है, कम हो रहे में नहीं बताना है। ये सब करेंगे तो आप बचे रहेंगे। सो अगर आप बीमार हैं, अगर आप टेस्ट कराना चाहते हो तो ये करो, और अगर आपको टेस्ट की ज़रूरत है तो डॉक्टर खुद कराएगा, और उसमें जो 5-6 टेस्ट जितने टेस्ट हैं वो कराए जाएंगे। कोरोना के लिए टेस्ट किया जाएगा, स्वाइन फ्लू के लिए टेस्ट किया जाएगा, आपको CBC किया जाएगा, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, जो भी जरूरत पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द केस किया जाएगा। और भी कोई सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं। सो दिस इज हाउ यू टैकल। सबसे बड़ी बात, आइसोलेशन में बैठे हो तो वहां से निकलना कब है? क्या जिंदगी भर आइसोलेशन में रहना है? नहीं, आपको घर पे जो रह रहे हैं, ठीक है, आप घर में आइसोलेशन रख सकते हैं, राइट। अगर टेस्ट नहीं करेंगे जब तक आपका, मान लो एक तो ऑप्शन होता है कि एक पॉजिटिव आदमी अपना टेस्ट कराए कि मैं नेगेटिव हो गया, अब मैं आइसोलेशन में ना रहूं। दूसरा, एक आदमी जिसने टेस्ट नहीं कराया, एक इंसान जिसने टेस्ट नहीं कराया, उसके लिए कैसे कर सकते हैं? अगर आपको 72 आवर, 3 पूरे दिन में कोई बुखार नहीं आया तो आप बेटर हो रहे हो। अगर आपके सिम्टम्स जैसे खांसी, सांस में फूलना इम्प्रूव हो रहे हैं, तो अगर 7 दिन हो गए हैं, आपके सिम्टम्स पहली बार आए थे और आपको अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया, तो आप ठीक हो, राइट। अब बात आती है ऐसे लोग जो घर में आइसोलेटेड हैं, अगर उनको बाहर निकलना है तो यही चीज याद रखें कि आज अगर आपकी रिकवरी हो भी गई है तो बाहर जाके और वायरस नहीं ले लेना है, तो आज से भी आगे भी प्रोटेक्शन तो रखना ही है। सो प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। खुद से जाके आप टेस्ट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।